हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु नेचर्स गार्डन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम ग्रो करने वाले हैं बनाना का प्लांट या ट्री अपने घर में। कैसे इसको लगाना है घर में और कैसे ग्रो करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, उन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ये जो आप बनाना का ट्री देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने पास के ही खेत से मैंने लाया है। और आपको कौन सा बनाना का पौधा लेना है, आपको काफ़ी छोटा लेना है, हो सके तो आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, नहीं तो मैंने आप मेंशन कर दिया कि बनाना का जो पेड़ होता है उसके साइड में सकर, छोटे छोटे से सकर्स निकलते हैं, तो उनको आपको मदर प्लांट से अलग करके और उसको रूट्स के साथ आपको लेना है। और जो ये आप मिट्टी देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इन सभी चीज़ों जो मैंने अपन मेंशन किया उसके साथ मैंने इसको भीगने के लिए छोड़ दिया है। और इनके सभी न्यूट्रिएंट्स इस मिट्टी में आ गए हैं। तो चलिए मैं इस मिट्टी में को इससे बाहर निकालती हूँ इस बकेट से, और इसके बाद हम इसको जो ये बनाना का जो पेड़ है उसको लगाएंगे। यहाँ पर मैंने नारियल की छिलके, गेंदे के फूल, जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं उन सभी को, और साथ में काउडंग जो मैन्यूर होते हैं उसको लिया है, साथ में मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र भी लिया है, उन सभी को मैंने सोक किया है इसमें। और जो ये आप मेरा बनाना का जो पेड़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके काफ़ी बड़े बड़े से रूट्स थे, तो मैंने इसको अच्छे से कट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको इसमें लगाया। फर्स्ट बार में तो ये लग नहीं पाया फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने निकालने की कोशिश की बट ये अच्छे से निकल नहीं पाया। तो मैंने इसकी थोड़ी और मिट्टी को इससे निकाला है और उसके बाद मैंने इसको दोबारा इसमें लगाया है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हो सके तो आप काफ़ी छोटा ही पौधा ले ताकि आपको लगाने में आसानी हो। और उसके बाद ये लग गया पौधा। इसमें जो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी को दबा दबा कर इसको लगाना है। ज़्यादा फोर्सफुली नहीं लगाना है बट आपको चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी को दबाना है ताकि जब ये ग्रो करेगा तो इसके जो वेट है वो बढ़ेगा, तो ये एक तरफ से झुकेगा नहीं, ये काफ़ी अच्छे से मिट्टी में सेट रहेगा। मैंने अपनी आसानी के लिए इसके एक जो ऊपर के जो छाल थे उसको निकाल दिया है और चारों तरफ से मिट्टी को अच्छे से इसमें दबा दबा कर इसको भर दिया है। और एक लेयर मैंने सरसों की जो कली का जो पाउडर होता है उसको मैंने डाल दिया है, क्योंकि उसमें नमी को अब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होता है, अगर गर्मी के सीज़न में लगा रहे फ्रेंड्स तो इसमें मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र ज़रूर से ऐड करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से आप शेयर करें, और मैं आने वाली वीडियोस में आपको इसके केयर के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं ये मेरा मॉर्निंग व्यू है बनाना ट्री का, तो आप इसे ज़रूर से इंजॉय करिए।